स्वागत है आपका टॉप 5 एंटरटेनमेंट न्यूज में। और आज मैं आपको फटाफट बताऊंगी बॉलीवुड की 5 बड़ी खबरें। अर्थ के रीमेक में इमरान हाशमी के साथ दिखेगी ये एक्ट्रेस। महेश भट्ट जल्द ही क्लासिक हिट अर्थ का रीमेक लेकर आ रहे। फिल्म में इमरान हाशमी के साथ बॉलीवुड की दो खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस जैकलीन फर्नांडिस और स्वरा भास्कर लीड रोल प्ले करेंगी। सूत्रों के मुताबिक एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट से बातचीत के दौरान फिल्म से जुड़ी करीबी सूत्र ने बताया, कुलभूषण हरबंदा के रोल के लिए इमरान हाशमी से संपर्क किया गया, वह इस रोल के लिए काफी एक्साइटेड है। वहीं लीड एक्ट्रेस के लिए जैकलीन फर्नांडिस और स्वरा भास्कर के नाम पर भी जल्दी मोहर लग गई। गोविंदा का एक्स कपल पर कमेंट, कहा 36 जगह मुंह मारते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। एक वीडियो सामने आया है जिसमें गोविंदा मधुरिमा और विशाल के रिलेशन पर कमेंट करते हैं। गोविंदा का ये कमेंट सभी को हैरान कर देता। गोविंदा कहते हैं, जो प्यार जबरदस्ती वाला होता है वो 36 जगह मुंह मारता है, और जो 36 जगह मुंह मारता है वो प्यार नहीं होता। मुझे नफरत है ऐसे लोग से। गोविंदा का कमेंट सभी को हैरान कर देता है। विशाल और मधुरिमा इस कमेंट से खुश नजर नहीं आते हैं। 23 साल बाद गोविंदा शिल्पा शेट्टी को मिली राहत। एक चुम्मा गाने पर हुआ था विवाद। 1997 में पाकर CJM की कोर्ट में गोविंदा और शिल्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। याचिका में कहा गया कि ये गाना अश्लील होने के साथ ही बिहार यूपी की अवमानना करता है। याचिका मोहिनी मोहन तिवारी की ओर से दाखिल की गई। CJM ने सख्त संज्ञान लेते हुए गोविंदा और शिल्पा को सेक्शन 294 अश्लील गाना और 500 अवमाना के तहत नोटिस जारी किया, लेकिन उस नोटिस को ठीक पतों पर तामिल नहीं हो सकी। याचिका दर्ज होने के 23 साल बाद आखिरकार गोविंदा और शिल्पा को इस मामले से राहत मिली। कारगिल में शुरू हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा की शहरशाह की शूटिंग। शुक्रवार को एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कारगिल में अपकमिंग फिल्म शेरशाह की शूटिंग शुरू की। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इंस्टा स्टोरी पर कारगिल से एक तस्वीर शेयर की। कैप्शन में लिखा, फार आउट। रिपोर्ट्स है कि फिल्म की शूटिंग बुधवार से शुरू होनी थी। सिद्धार्थ तो सोमवार को ही लद्दाख के लिए निकल गए थे, लेकिन सुरक्षा कारणों और एहतियात बरतने की वजह से फिल्म की कास्ट और क्रू आज के कारगिल में शूटिंग करेंगे। ब्रेकअप के बाद इंडियन आइडल के सिंगर को डेट कर रही हैं नेहा कक्कर। पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कर का एक्टर हिमांश कोहली के संग ब्रेकअप हो चुका है। दोनों करीब 4 साल तक रिलेशनशिप में रहे। रिश्ता टूटने के बाद नेहा डिप्रेशन में चली गई थी। रियलिटी शोज और इंस्टाग्राम पर नेहा ने कई बार दिल टूटने के हाल को बयां किया था। अब खबरें हैं कि नेहा कक्कर की जिंदगी में नए प्यार की एंट्री हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो नेहा कक्कर इंडियन आइडल कंटेस्टेंट विभो प्रशासक को डेट कर रही। आज के लिए टॉप 5 एंटरटेनमेंट न्यूज में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी। आज के लिए इजाजत दीजिए।